Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। Also, please don't forget to like, share and subscribe to my channel और वो लोगों तक ये वीडियो पहुंचने दीजिए जो कि पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। और आपका कोई भी सवालात है तो ये वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे, या फिर आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था कि कम बजट में आप पोर्चुगल में कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से लेके आप कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोग ने हमें कमेंट्स किया था, व्हाट्सएप कॉल्स किए थे, ईमेल्स किए थे कि आप ऐसे कोई नए आइडियाज़ बताइए और कौन से ऐसे बिजनेस है जो यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे। जी सर, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हमदान ने बताया, आज का सब्जेक्ट है बिजनेस आइडियाज, और भी कई सारे बिजनेस आइडियाज हम आपके सामने लेके आए हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है एक्चुअली ये बिजनेस शुरू करना, और ज्यादा बड़े खर्चे में भी एक्चुअली ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है इसको शुरू करने के लिए। तो पहला बिजनेस प्लान जो आपको हम बताते हैं वो है एक टेलरिंग शॉप। टेलरिंग शॉप से मुराद के ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा और एक टेलर और एक जो है आप इंडियन पाकिस्तानी सूट वगैरह सी रहे हैं। मेरा बोलने का ये है मकसद कि आप चार पांच लोगों को साथ में बिठाइए और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी सूट्स वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट मत करें, क्योंकि बहुत ही कम एक्चुअली वो ज़्यादा नहीं आएंगे आपके पास। आएंगे तो भी आप कोई पर्टिकुलर इंडियन पाकिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ पर आप एक टेलरिंग शॉप डाल सकते हैं, अगर आप एक भी बंदे हैं, आपका बजट अगर कम है। यहाँ पे कुछ हमारे जानने वाले एक्चुअली टेलर्स हैं जो कि चार पांच लोग हैं और पूरी फैमिली है, और ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेफ्टी के जो कपड़े वगैरह बनते हैं, आपकी एफएम टीम जो होती है फैसिलिटीज मैनेजमेंट के लिए, जो सेफ्टी क्लोथ्स वगैरह होते हैं और सेफ्टी शूज़ वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग के लिए ये लोग अपने सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और बल्क में 400-500 सूट्स वगैरह, 400-500 सेफ्टी आउटफिट्स जो होते हैं उन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। उससे हटके भी कई सारे ऐसे यहाँ पे होती हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बल्क में 300-400 की ऑर्डर आ जाती है, और आप लोग जो है चार पांच अगर लोग हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम के अंदर आपको डिलीवर करना होता है कपड़े। कई सारे यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं कपड़े सीने के लिए यहाँ पे, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी एक्चुअली एक बिजनेस है। उसके बारे में भी बात करते हैं इवेंट प्लानिंग के बारे में, तो लेकिन अभी ख़त्म करते हैं टेलरिंग के बारे में। एक टेलर स्टोर आपका अगर हो तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। डेफिनेटली एक बंदा है तो बहुत कम में शुरू हो सकता है, अगर एक से चार हैं, क्योंकि वो मशीन्स वगैरह ही इतनी महंगी आती हैं, और आपका सेटअप वगैरह और अच्छी जगह पे अगर ले लें, और तो एक पोर्चुगीज बात करने वाला उसमें से कोई हो, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और हम जानते हैं किसी को जो कि पूरी फैमिली एक्चुअली ये करती है, और माशाल्लाह बहुत ही टाइम से वो लोग यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही अच्छा कमा लेते हैं माशाल्लाह। और उनके अब तो एक आठ टेलर की दुकान नहीं है, उनकी तीन चार उन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर्स लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करते हैं, और वो ऑर्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज से भी वो लोग ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार फैक्ट्रीज में वो टाइप का मटेरियल नहीं सिला जाता है, तो वो वहाँ से वो ऑर्डर्स लेते हैं, वो 500-600 जो पीसेस होते हैं फिर वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है यहाँ पर। तो आप भी अगर टेलर है, अपनी फैमिली में 5-6 लोग भी अगर टेलर का काम करते हैं, या फिर आप किसी और को भी हायर कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। जी, तो ये एक था पहला जो बिजनेस प्लान था वो टेलरिंग स्टोर के लिए। अब दूसरा बिजनेस प्लान है जो बताने वाली है हमदान। तो दूसरा बिजनेस प्लान है जो कि यहाँ पर हर किसी को, जब भी आप सुनते हैं कि बिजनेस बनाना है, रेस्टोरेंट डालना है या जो भी डालना है, उसके लिए उसको लाजिम चाहिए एक बैनर बनाना है, या उसके आपको कार्ड्स बनाना है, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं बहुत सारे, अगर रेस्टोरेंट है तो आपको वहाँ के लिए मेन्यू कार्ड्स बनाना है, तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रिंटिंग प्रेस की, जो कि आपके लिए ये सारे काम में आपकी हेल्प कर सके। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे दोस्त में भी, हमारे जानने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए हैं, छोटे पैमाने पे खोले हैं, ज़्यादा बड़ी प्रेस नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस है। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो कि उनके पास मशीन्स नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं, आउटसोर्स करते फिर आउटसोर्स करते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। आप देखिए यही ऑफिस के लिए काफी सारी मार्केटिंग के लिए हमने बिजनेस कार्ड्स वगैरह बनाई, ब्रोशर्स वगैरह बनाया था, स्टिकरिंग वगैरह हुई है, बोर्डिंग वगैरह हुई है, बाहर स्ट्रीट पे जो है वहाँ पे स्टिकरिंग हुई है। तो वही चीज के लिए देखिए माशाल्लाह 2000 का कुछ हमारा काम हुआ था, ये 2000 यूरो प्लस थोड़ा सा ऊपर नीचे 2000 यूरो में माशाल्लाह देखिए कुछ ही काम करके, छोटा सा पेंटिंग वगैरह का काम करके जो है आराम से आप 2000 एक ही एक हम छोटे कस्ट हम तो एक SME एक छोटी सी कंपनी है तो वहाँ पे ही एक 2000 आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है ये। आपके पास अगर प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं है शुरुआत में आप आउटसोर्स कर सकते हैं। कई बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये भी है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री प्रिंटिंग ऑफिसर्स वगैरह भी है यहाँ पे, तो वहाँ से भी जाके आप काम करा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है और हमारे वाकई में बहुत ही करीबी दो जानने वाले हैं जो कि ये इंडस्ट्री में है और करते हैं और काम भी करते हैं, खुद का बिजनेस है। और वहाँ पे डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है तो एक डिज़ाइनर आप हायर कर सकते हैं, आप खुद एक डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइन करिए, वेब डिज़ाइनिंग का काम करिए, वही एक ऑफिस में बैठ के छोटा सा एक ऑफिस ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप छोटा सा एक ऑफिस लेके, आप अगर आपके पास आप स्किल है ऑलरेडी वो हुनर है आपके पास, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, फोटोशॉप आती है, अडोबी वगैरह पे अगर आप काम कर सकते हैं, वेबसाइट किसी का डिज़ाइन कर सकते हैं ऑफिस खोल के, ये एक्चुअली तीसरी बिजनेस कैटेगरी हो गई। अगर आप छोटा सा अगर ये भी शुरू करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ये बैठे बैठे काम कर सकते हैं, छोटा सा ऑफिस भी ले सकते हैं। तो उस पर भी डिपेंड ऑन थोड़ा सा मार्केट वाला एरिया होना चाहिए और आपकी खुद की अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए ये चीज़ के लिए। तो ये भी बहुत ही कम में एक्चुअली जो वेब डिज़ाइनर का जो ऑफिस वगैरह है ये काम है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है पूरी मशीन्स वगैरह है तो आपको अच्छा खासा उसमें, क्योंकि मशीन्स वगैरह बहुत महंगी आती है, इसमें अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ करते हैं अपने मुल्कों में, चाहे इंडिया पाकिस्तान या फिर UAE वगैरह सऊदी वगैरह में गल्फ में अगर आप काम करते हैं तो वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है ये और बहुत ही अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हैं इसके अंदर। तो ये था दूसरा बिजनेस प्लान। तीसरा बिजनेस प्लान बताता हूँ मैं अभी आपको। तो तीसरा बिजनेस प्लान है जो कि हम खुद करते थे दुबई में और इंडिया में, ये बिजनेस मैं खुद चलाता था मिस्टर एंड मिसेज वेडिंग प्लानर के नाम से। तो अगर कोई वेडिंग प्लानर है, कोई इवेंट प्लानर है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री में और अलसफ़र के नाम पे हमारा एक वेडिंग प्लानिंग इवेंट प्लानिंग का भी एक एक्चुअली हमारा बिजनेस है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसको शुरू करने वाले हैं। और ये जो बिज़नेस है बहुत ही कम खर्चे में शुरू होता है, आपको सिर्फ एक अच्छा सा अच्छे लोकेशन पे एक ऑफिस लेना है और आपको थोड़ा सा इस पर एक्सपीरियंस चाहिए। जो लोग को ये काम आता है जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे पोर्चुगल में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऑफिस लेना है, वहाँ की अच्छी फिट आउट करनी है, जो आपके प्रीवियस जो आपके वो थे क्लाइंट्स थे और आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उनको अच्छे से बताना है, अच्छे से एक फाइल में स्क्रीन पे और जो है एल्बम में आप अपनी जो जो आपकी एक्सपीरियंस थी वो कर सकते हैं। उसका अच्छा सा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, एक अच्छा सा वेबसाइट बनाइए। पोर्चुगल के कई सारे रिजॉर्ट्स में आप जाइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं बहुत ही सस्ते में, एक्चुअली यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ खर्चा आपका ऑफिस का है और कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस कार्ड लेके प्रिंट करना है आपको, थोड़ा सा अच्छा फिट आउट करना है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। आपके मुल्कों से एक्चुअली पोर्चुगल के लिए आप वहाँ से ही ऑलरेडी मार्केटिंग अपनी लीड जनरेट करिए और वहाँ से ही लेके आइए, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, दुबई से तो बहुत ही आराम से एक्चुअली आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी करते थे और हमारा खुद का आगे ये एक ब्रांच डालने का इरादा है यहाँ पे। मिस्टर एंड मिसेस वेडिंग प्लानर्स थी वहाँ पे इंडिया और दुबई में, तो ये चीज़ शुरू कर सकते हैं जो हमारा तीसरा बिजनेस प्लान था। ये जो भी बिजनेस प्लान हम आपको बता रहे हैं ये उनके लिए है जिसको इसमें एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है वो प्रिंटिंग प्रेस डाल रहा है या टेलर की शॉप डाल रहा है या वेडिंग प्लानर बन जा रहा है। अगर आप उस फील्ड से है, उसमें आपको एक्सपीरियंस है, तभी आप टेलर की शॉप कर सकते हैं, तभी आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस डाल सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी चीज़ चलाना इतना आसान नहीं है। आप अपने कंट्री में अगर ये काम आप सीखे हुए हैं ऑलरेडी और यहाँ पर आकर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं
तो ही ये आपके लिए फायदेमंद है, वरना नई शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे इस चीज में। तो अगर आपका इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है, तो ही फिर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो 14 नंबर पे आता है, फोर्थ या फिफ्थ भी बोल सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बातों बातों में चार बता दिए हैं, लेकिन फिफ्थ एक और है हमारे दिमाग में। हम आपको वही बता रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे हम यहाँ पर रहकर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरतें पड़ती है, किन चीज़ों की आप और भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ रेस्टोरेंट ही है यहाँ पर या सिर्फ बोल्ड ऊबर ही है यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो डेली बेसिस पे डेली यूज़ में यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और लोग कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के आपको पता नहीं चलता कि और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम देखते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे जानने वालों में लोग और क्या क्या करते हैं और उसमें कैसी उनकी ग्रोथ होती है। तो वैसे ही एक और चीज़ है, फूड सप्लाइंग कंपनी भी आप खोल सकते हैं जी, FMCG जिसे कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह के लिए भी। एक्चुअली जो ग्रोसरीज वगैरह सुपरमार्केट्स पे जो सप्लायर आता है उस पर, जैसे आप देसी फर्स्ट से अगर देसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो चावल, तेल और मसाले वगैरह, ये कई सारे सप्लायर्स होते हैं, प्याज, आलू, ये सब चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, जो बल्क में आप अपना एक आपको एक वेयरहाउस लेना होता है और बल्क में आपके पास अपने मुल्कों से या फिर आसपास यूरोप के कंट्रीज से या फिर पुर्तगाल से ही जो चीज़ यहाँ पे उगती है, वो चीज़ को आप टारगेट करें और वो चीज़ को यहाँ की ग्रॉसरी वगैरह में सप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो यस, ये जो फूड चेन है, फूड सप्लाई वाली जो बिज़नेस है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव भी है, क्योंकि कई सारे लोग भी यहाँ पे करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह होता है। कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, ऐसे कई, एक्चुअली हमें भी एक्चुअली फोन आए थे, एक जनाब ने फ़ोन किया था और वो जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और कोको कोला जो है सप्लाई करते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से 130 में एक वो आती है, कुछ जगह पे 2 यूरो में भी एक्चुअली इसको बेचते हैं, और वो जनाब मुझे कुछ 60 या 80 की बात कर रहे थे, तो 80 में या 60 में हम सप्लाई करते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, हम आपको उनसे कनेक्ट करा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो 2 यूरो में बेचते हैं और आपको मिलती है इनके पास से 60 सेंट्स में, तो ये भी एक अच्छा मेरे ख्याल से है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और आपको एक बिज़नेस बता देता हूँ मैं, जो जैसे कि हमदान ने कहा कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो भी बिज़नेस हम आपको बता रहे हैं वो लोग अगर रिलेट कर सकते हैं और जिसको इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, तो जो छोटा सिक्स्थ वाला जो बिज़नेस है वो मैं आपको बोल सकता हूँ, एक फ़ोटो स्टूडियो आप डाल सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और आप सिनेमैटिक वीडियोस ले सकते हैं, इफ़ यू आर अ गुड वीडियोग्राफर और एडिटिंग वगैरह भी करने आता है, तो एक छोटा सा आपका स्टूडियो खोल सकते हैं वहाँ। जैसे कि यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह होते हैं, तो जो इवेंट प्लानिंग का जो हमने पहले बताया था, तो उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, फ़ोटो स्टूडियोज़ भी हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर एक्सपीरियंस है बहुत अपने पास, तो माशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हैं, और पूरा सेट वगैरह आपके पास, ऑल इफ़ यू हैव ऑल द किट्स, कंप्लीट किट है अगर आपके पास, ड्रोन वगैरह ये सब चीज़ें और माइक्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं आपके पास, तो फोटोग्राफर हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह भी होती हैं, इवेंट्स होती हैं और वेडिंग्स भी होती हैं, तो सोशल इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सेम वही बात है, अपनी मार्केटिंग अच्छी करो, इंस्टा पे वेबसाइट बनाओ, अपनी सी एक छोटी सी एक स्टूडियो खोलो, ये भी मेरे ख्याल से बहुत कम खर्चे में ये काम हो सकता है। ये जस्ट नीड टू टेक, ये हर चीज़ के लिए एक आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, कंपनी फॉर्मेशन के बेस पे आता है, तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस होना होता है, वो ट्रेड लाइसेंस के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम कंपनी फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में, एक्चुअली आपकी कंपनी हम खोल के देते हैं और वही कंपनी के बेस पे फिर आपकी आर्टिकल 89 में भी आपकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिस्ट एक्चुअली आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और लास्ट वाली जैसे हमने वीडियो बनाई थी, बिज़नेस प्लान्स और बिज़नेस आइडियाज़ हमने दिए थे, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि और क्या हो सकते, तो हमने सोचा पार्ट टू और वीडियो टू लेके आते हैं आप लोग के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं जबरान सैयद, प्लीज बी अपॉन यू ऑल।